ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। ठाणे पुलिस ने होटल, मॉल, पेट्रोल पंप और राज्य के अलग अलग जगहों पर ग्राहकों के एटीएम कार्ड का क्लोन कर उनके बैंक अकाउंट से पैसे निकाल लिया करते थे। इस गिरोह के दो आरोपियों को ठाणे पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ठाणे पुलिस ने शाहबाज मोहम्मद आरिफ खत्री उर्फ रेहान अली को मुंब्रा के शैलेश नगर से गिरफ्तार किया है। इसके पास से पुलिस ने स्कैनर, पैन कार्ड, अलग अलग एटीएम कार्ड, क्रेडिट कार्ड, लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन बरामद किए हैं। इस गिरोह में आसिफ शेख, केशव रेड्डी उर्फ बाबू मोहम्मद, वसीउद्दीन अंसारी, ये लोग कार्ड का डाटा चुराने का काम करते हैं और शाबाज 15,000 कार्ड का क्लोन कर बैंक अकाउंट से पैसे निकाल चुका है। हमको एक इन्फॉर्मेशन मिला थी, हमारे सेंट्रल यूनिट की जो हमारे होंद्राव साहब हैं उनकी टीम है, हमारे उधर के एक PSI हैं चिंतामन, उनको एक इन्फॉर्मेशन मिली थी। वो इन्फॉर्मेशन को वर्कआउट किया था, उनके साथ में हमारे कदम साहब जो ACP है क्राइम ब्रांच के, उन्होंने ये टीम को मिला के एक वर्कआउट किया। हमने एक आरोपी को इसमें हिरासत में लेने के बाद हमको पता चला कि ये जो स्कैंडल है, ये बड़ा स्कैंडल है, क्योंकि ये एक कार्ड क्लोन कर लेते थे। अगर कोई वेटर है या फिर बिलिंग काउंटर पे कोई काम करता है मॉल में, और जो अपन कार्ड दे के जो शॉपिंग करते हैं, यानी ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, या फिर कार्ड दे के डेबिट और ATM क्रेडिट कार्ड से अपन जो शॉपिंग करते हैं, वो डेबिट और क्रेडिट कार्ड वो क्लोन करके वो डाटा चुरा के वो डाटा फिर दूसरी तरफ ट्रांसफ़र करके उसी डाटा के माध्यम से वो एक कार्ड बनाते थे और वो कार्ड के चलते हुए वो कार्ड से वो पैसे निकालते थे। और अभी तक उन्होंने कम से कम अपने को जो इन्फॉर्मेशन मिला है, जो अपन ने इन्वेस्टिगेशन किया है, उसके अंदर कम से कम 10,000 से लेके 15,000 तक कार्ड अभी तक क्लोन किए हैं। उन्होंने ऐसा ही एक गुना दुबई में किया है, उसमें एक कार्ड के उन्होंने कम से कम 15 लाख रुपये उन्होंने निकाले हैं और दुबई में भी इनके ऊपर एक क्राइम रजिस्टर है, ये अपने को जो अपनी इन्वेस्टिगेशन के अंदर अपने को पता चला है। इसके पहले भी ये रेड्डी नाम का जो इसमें अक्यूज़ हैं उसको पहले भी इसी सेम गुने में अरेस्ट किया गया था। अभी अपन ने दो लोगों को इसमें अरेस्ट किया है और दोनों को 26 तक उनका PC है। बताया जा रहा है कि शाहबाज ने इन घटनाओं को दुबई से अंजाम दिया है। वहीं घटना में शामिल और आरोपियों की तलाश जारी है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों पर 420, 465, 467, 468, 471, 34 के तहत मामला दर्ज किया गया है। तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।